अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर लेकर आई हूँ मेरा एक प्रोग्राम बावी सांझ एक मुलाकात, और आज हम मिलेंगे फूड किंग मास्टर शेफ संजीव कपूर जी से। कम से कम खाने में कोई दो चार पांच चीजें, आज काम शुरू होगा तो पांच साल में हो जाएगा काम? नहीं, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे जैसे आप शुगर का कि हाँ, मुझे राइस का तो पता था। राइस में मतलब क्योंकि मैंने काम किया मुझे पता है, राइस में बासमती जो है वो सब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, करनाल, ये सारा इधर का, मध्य प्रदेश में बासमती राइस होता है। लेकिन बासमती जो है वो क्योंकि जीआई जो बोलते हैं, जीआई टैग, वो कि यहाँ वाला जो उसको बासमती नहीं बोलते, तो उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी। तो मैं उस लड़ाई का पार्ट था, तो मुझे पता है। Why are you creating influence which is not correct? Food जो है उसमें responsibility है, so we have to make sure। तो हमने खिचड़ी बनाई, world record बनाया मैंने भारत सरकार के लिए, मैंने world food India में एक कोई foreign grade नहीं डाला उसके अंदर। मैंने उसके जितने सारे अपने मिलेट, ये वाला जवार, बाजरा, ये कोडो मिलेट जितने हैं सारे हिंदुस्तान के, सब उससे डाल के बनाया। नोबडी मिस किंग वॉ एंड द इंटेंट वाज सेम कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी अपने कंट्री वाले है, सब कुछ है, किस तरह से उसके बारे में बात नहीं करें। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रिफाइंड चीज़ों की हमें आदत इतनी ज़्यादा लगी। हमें लगता था कि जब हम बड़े हो रहे थे तो मतलब कॉटन के कपड़े जो है ना वैसे मारे जाते थे, तो बेकार है। टेरिकॉट अच्छा है, रिफाइंड चीज़ें जो है, बट अब धीरे धीरे समझ आती है। बट अगेन हम तो सोच रहे हमारी लाइफ सिग्निफिकेंट है, दैट एक्चुअल वॉट विल स्टे कि कॉटन समझ आ गया, बट बीच में एबरेशन थी ये जो थी ना, ये माइक्रो गैस्ट्रोनॉमी, टेरिकॉट, ये एबरेशन होती है। वॉट स्टे इज बी रियल ऑर्गेनिक कॉटन, अंडरस्टैंड विल स्टे, दोज आर दी रियल थिंग। ये एबरेशन होंगी बीच में, ये होती रहेगी, यू हैव टू मिनिमाइज दैट, यू हैव टू मिनिमाइज। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझे अवेलेबल थी, जब चाहे तभी तो मिल जाता हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं भी सॉरी वेट करता हूँ। आपका फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट हर रोज बदलता है, जहाँ मैं होता हूँ वो उस दिन वो फेवरेट होता है। तो लुक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग फ्रॉम भोपाल, सो यू टेल मी व्हाट इज इट दैट इफ आई वर टू टेस्ट फाइव थिंग्स ऑफ भोपाल, भोपाल व्हाट शुड आई टेस्ट एंड आई शुड बी एबल टू टेल द वर्ल्ड ये भोपाल में वर्ल्ड की बेस्ट। मच्छी मिलती है समर फिश जो यहाँ की स्पेसिफिक है, और लेक भी मिलती है, लेक की फिश फ्रेश होता है, बट यू कैन नाइस फिल क्लीन होता है एंड ब्यूटीफुल अमेजिंग फ्लेवर, बेटर देन कैप इन। मैं भी कलकत्ता से आ रहा हूँ, उसके कंपेयर में ये 20-19 नहीं है। ओके, सो यू मस्ट ट्राई, यू गेट टाइम आप इसको जरूर ट्राई करें। यहाँ के मसाले कॉम्बिनेशन इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट लखनऊ है, जो उनका पोटली का मसाला रजनीकांत है उससे काफी अलग है। यहाँ की चिली काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और हिंदी चिली यूनिक एली, उसमें वो हॉटनेस नहीं है, बट अपने आप एक जो फ्लेवर देता है वो काफी अलग है। सो दिस आर टू थिंग्स, ये तो ये चीजें हो गई। प्लीज अगर यहाँ से माइग्रेशन वो काफी स्पीड से आने शुरू होगा,
उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टाइल ऑफ कुकिंग होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर, अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जैसे हम बात कर रहे थे कि अवेयरनेस एट हायर लेवल, ऑर्गेनिक की बातें शुरू हो गई हैं, हेल्थ की बातें शुरू हो गई हैं, कंजम्पशन कम है अभी, बातें शुरू हो गई कि विच इज गुड साइन, विच इज गुड दैट ये बातें शुरू हो गई. और ये बातें छोटी जगहों पे भी हैं, बड़े शहरों में भी हैं, सब जगह. ऐसा नहीं है कि क्योंकि जगह छोटी है तो वहाँ पे वो बातें. कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, मतलब क्या चीज मिल रही है, क्या चीज नहीं मिल रही है. तो मैं कल परसों रात की बात है, दिल्ली में मेरे था, तो वहाँ पे देखा है पूरी शॉप में ग्लूटेन फ्री पूरा ब्रेड्स का सेक्शन ग्लूटेन फ्री. अब ग्लूटेन फ्री ब्रेड मतलब आपके होटल में आसानी से नहीं हो जाएगी, तो मतलब वो 200 ग्राम की ब्रेड थी 325 रुपए की मिल रही. मैंने उनको पूछा तुम कैसे बेचते हो इसको, नॉर्मल ब्रेड तो 20-25 रुपए में मिल जाती है, तो ये 325 रुपए में 200 ग्राम कैसे बिकती है, तभी बेच रहे हैं. मीठा जो है वो खाने में गुजरात में डालते हैं, और बंगाल में भी डालते हैं, महाराष्ट्र में भी डालते हैं. महाराष्ट्र में इतना होता है कि महाराष्ट्र में मसाला ही है जिसका नाम ही बड़ा मसाला होता है, तो चाट में मीठी चटनी नहीं पड़े तो चाटनी बनती है. टेस्ट ऑफ इंडिया खट्टा मीठा तीखा नमकीन एक ही चीज़ में भी हो सकता है. हमारे यहाँ मीठी चीज़ में भी नमक डाल के मसाले डाल के खाते हैं, नमकीन में भी चिवड़ा भी बनाएंगे उसके अंदर भी मीठा डालेंगे. तो सामने से वो हटा देना, क्योंकि ये थी कि जैसे हिंदुस्तान है कहीं कहीं से बिखरा हुआ था पूरा, उसको जोड़ जोड़ के अपने यहाँ के एक, आप बताइए कौन है उनने किया फिर. नाम बल्लभ भवन, तो उसी के नाम पे उनके नाम पे बनाया, ये वहाँ लगेगी और उस हिसाब से पूरा चलेगा. ऐसे बहुत सी चीजें बनाई और क्या क्या बनाया. मार्केट रिसर्च एक बहुत बड़ा काम होता है हमारा, टू अंडरस्टैंड. सेकेंड हमारा टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ पीपल कि खाने को लेकर कहाँ तक पहुंचे हैं, बिकॉज हमारा जो फील्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक सीरीज बिरयानी ऑफ इंडिया उसकी फिल्मिंग कर रहे हैं, कुछ सिटीज में किया है. ये इवेल्युएट कर रहे हैं कि भोपाल में की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए. आने वाले 5 सालों में 5 से 10 चीजें ऐसी हों जिसके बारे में ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष में लेकिन पूरी दुनिया में बात होनी चाहिए. मैं किसी को बता रहा था कि लास्ट भोपाल की जो बिगेस्ट बात हुई वो सन 1975 में हुई फिल्म शोले के द्वारा, सूरमा भोपाली, लोगों को पता चलना चाहिए जो भोपाल हो. पिछले इतने सालों में जो सब तक पहुंचने वाली चीजें, तो मैं अभी कलकत्ते में था परसों, तो ऐसी कुछ बात हुई. बंगाली कोई यहाँ पे है, कोई है बंगाली? कोई भी नहीं है बंगाली. चलो बेटा कुछ भी बोल सकता हूँ. संजय, अरे हाँ संजय है, छोड़ता तो भूल गया था, ये उड़िया वाले हैं नकली बना. ओके, तो एक सिटी है जलपाईगुड़ी, नाम सुना ना आपने? जलपाई एक खाने की चीज है, कितने लोगों को संजय पता आपने खाया हुआ, राइट? आपको पता है, पर बंगाल में कितने लोग हैं जिसका पूछता हूं उनको नहीं पता होता है कि क्या 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 होता है.
सर वो ना ऐसा आमले जैसा होता है, ऑलिव जैसा होता है, ये होता है, तो ये नहीं पता कि क्या पूरा शहर है जलपाईगुड़ी। वो जो इंग्रेडिएंट है मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी देन है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि वहां तो जाए कि उसको एक पकड़ा देते सीजन में, ये देखा वहां से जलपाई तो लेके आना, जलपाई तो लेके आना। अब मैंने आपको बता दिया तो आपको लगा वहां जी कैसे हो गया। बहुत बहुत कम शहर होते हैं जो एक किसी खाने की चीज के नाम पे पूरा शहर हो जाता है। तो भोपाल में डिशेज और भोपाल में तो खाने की मतलब खान है मैं कहूँगा,